subscribe to this channel to get more auto vlogs like this. And now you can follow us on Instagram and Facebook for regular auto updates and much more. Hello friends and welcome to my channel Auto Geek. My name is Manas and आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ MG की Hector 2021. अभी उसका एक facelift version आया है. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटो गीक मानस. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MG की ऑल न्यू Hector 2021. ये Hector का नया फेसलिफ्ट वर्जन आया है. इसमें एक्सटीरियर में ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं लगेंगे बट इंटीरियर में चेंजेस हैं, कुछ नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं तो मैं आपको आज दिखाता हूँ. फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको ये LED DRLs मिलते हैं जो इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं. और उसके नीचे ठीक आपको देखने को मिलेंगे LED हेडलैम्प्स और उसके नीचे LED फॉग लैम्प. और फ्रंट ग्रिल एकदम बोल्ड और बीच में MG का बोल्ड लोगो और बीच में क्रोम टचेस भी दिए गए हैं जो काफ़ी प्रीमियम बनाता है. और नीचे मेश लुक आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे आपको फ्रंट सेंसर्स भी मिलेंगे. ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है. जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा DRLs. और अब साइड की बात करें तो साइड से कुछ ऐसी है MG Hector 2021. अगर साइड से मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैं आपको व्हील्स के बारे में बताता हूं. यहाँ पे आपको 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे. और साइड मिरर्स आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल हीटिंग साइड मिरर्स हैं, डुअल टोन कलर में आते हैं. और नीचे कैमरा भी दिया गया है 360 व्यू के लिए. और डोर हैंडल्स में आपको क्रोम फिनिश मिलेगा रिक्वेस्ट बटन के साथ. और यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निश मिलेगी पूरी पीछे सी पिलर तक. और ऊपर ये सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है कार को. और यहाँ नीचे भी आपको ये सिल्वर फिनिश क्रोम फिनिश गार्निश है. और यहाँ पे आपको फ्यूल लोड मिल जाएगा. और यहाँ पे आपको फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन देखने को मिलेगा. और अब बात करते हैं पीछे की, पीछे से क्या क्या ऑफ़र किया गया है. इसमें पीछे से कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी Hector 2021. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स देखने को मिलेंगी. और ये ऊपर शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे आपको रियर वाइपर्स और रियर डिफॉगर देखने को मिलेंगे. अब आप ये सोचेंगे मैंने तो कुछ किया नहीं, ये टेल गेट कैसे खुल गया इसका, इसका बूट कैसे ओपन हो गया. तो भाई इसमें एक ऑटोमेटिक पावर टेल गेट ओपनिंग का फीचर दिया गया. अगर आपके पास इसकी रिमोट की स्मार्ट की आपके पॉकेट में है और आप 3 सेकंड तक इसके पीछे के खड़े होंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा. इनकेस आपके हाथ में कुछ सामान है तो बहुत यूजफुल फीचर है. और यहाँ पे आपको ये LED टेल लैंप्स और ये न्यू रियर टेल गेट गार्निश का डिज़ाइन दिया गया है बीच में MG लोगों के साथ. यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग देखने को मिलेगी. यहाँ पे Hector की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी. और नीचे आपको मिलेगी ये गन मेटल फिनिश में स्किड प्लेट. और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे. और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलेगा. और मैं अब आपको दिखाता हूँ बूट खोल के. एक्चुअल मैं अब मैनुअली खोल के दिखाता हूँ आपको. ठीक है, तो ये आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है. यहाँ पे बूट स्पेस, यहाँ पे आपको 587 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया गया जो काफ़ी अच्छा है. आप देख सकते हैं कितनी मतलब सफिशियंट से भी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर. और यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, इसको दबाओ और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी. अब बाहर ये कार के अंदर जाने का आपको दिखाने का, कार अनलॉक करने का. तो इसमें भी एक फ़ीचर है, आपको सिर्फ अगर आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में की है, आपको कार के पास जाके खड़ा होना है इसकी रेंज में और कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी. ये भी स्मार्ट फीचर दिया गया है इसमें. तो चलिए लेट्स अनलॉक द कार. तो जैसे ही आप कार के डोर्स खोलेंगे यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल ब्लैक एंड ये बेज फिनिश थीम आपको मिलेगी. यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी. यहाँ पे डोर ओपनर हैंडल सिल्वर फिनिश में और यहाँ सिल्वर फिनिश का ग्रैब हैंडल मिलेगा. और यहाँ पे आपको पूरी लेदर फिनिश दी गई है डोर पे, आप देख सकते हैं. यहाँ पे आपको सारे स्विचेस मिल जाएंगे, पावर विंडोज कंट्रोल्स डोर लॉक अनलॉक सारे स्विचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे आपको इन्फिनिटी का स्टीरियो सिस्टम है, इन्फिनिटी का ट्विटर, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्पीकर दिया गया. यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर दिया गया. तो काफ़ी सही है, दिखने में प्रीमियम लुक है. और ये है इंटीरियर्स. और यहाँ भी आपको जैसा कि MG ने नाम दिया शैम्पेन एंड ब्लैक डुअल टोन इंटीरियर्स मिलेंगे जो कि इस Hector में न्यू है, पहले वाले Hector में नहीं था ये.
और अब बात करूँ सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स दी गई हैं जो कि 6-way पावर एडजस्टेबल है ड्राइवर सीट, और को पैसेंजर सीट आपको मिलेगी 4-way पावर एडजस्टेबल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पावर एडजस्टेबल सीट्स, ये इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे आगे पीछे और इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। और अब टाइम है कार के अंदर जाने का और आपको दिखाने का। तो अंदर बैठते ही आपको ये डुअल टोन इंटीरियर्स वेलकम करेंगे जो काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं, कार काफ़ी प्रीमियम है अंदर से। और यहाँ डैशबोर्ड में भी आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी और काफ़ी जो आपको प्रीमियम लुक देगी। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील आपको फुल राउंड शेप में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको ये सारे क्रूज कंट्रोल और MID कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और राइट साइड में आपको सारे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ फोन कंट्रोल्स और वॉइस कंट्रोल का बटन मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये वाइपर कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में मिलेंगे और राइट साइड में आपको हेडलाइट्स कंट्रोल्स, फॉग लैंप कंट्रोल सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेगा, उसके नीचे आपको ये साइड ORVM के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल कंट्रोल्स, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे राइट लेफ्ट के लिए। और यहाँ पे आपको ये हेडलाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स, यहाँ पे ये MID और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ब्राइटनेस कंट्रोल, यहाँ पे बूट ओपनिंग का बटन भी दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट प्रेस करके बूट ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पहले मैं कार को ऑन करता हूँ और आपको जैसे ही ऑन करेंगे आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी, और जो बीच में MID दी गई है वो यहाँ से सारी कंट्रोल होगी, आपको यहाँ से सब आप फंक्शन देख पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, राइट साइड में आपको एनालॉग RPM मीटर, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर मिलेगा, और बीच में MID जो बहुत इन्फॉर्मेशन कार की दिखाती है, जैसे कि सब रेंज, नेविगेशन भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जैसे आप लीवर को नीचे करेंगे तो आप इसे टेलीस्कोपिक और टिल्ट कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और अब बारी है भाई इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में आपको बताने की। यहाँ पे सब कुछ है, इस कार का सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप आराम से देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। 10.4 इंचेस की टच स्क्रीन है यहाँ पे, यहाँ पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, गाना ऐप, बेसिकली इसमें पूरा मतलब आप इंटरनेट ब्राउज़र भी है यहाँ पे इसमें। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 360 व्यू लिखा है, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आपको पूरा कार का 360 व्यू, अराउंड का व्यू पूरा दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। और यहाँ से आप सारा AC भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे, तो यहाँ पे एक AC का पूरा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इससे आप यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ राइट साइड से आप लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ नीचे AC के सारे मोड्स दिए हुए हैं, देखिए ऐसे। तो यहाँ से आप सारे मोड्स और ब्यूटीफुल इंटरफेस और एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सही है ये। तो एक तो ये AC का कंट्रोल हो गया, और यहाँ से आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं पूरी कार को। मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो MG, नेविगेट टू नोएडा, I found more than one Noida. Which one would you like to pick? Third one. Line 3. Okay, getting directions to Noida Optics. तो मैंने आपके लिए नेविगेशन का एग्जांपल लेके दिखाया है इसमें, देखिए अब इसमें पूरी नेविगेशन खुल गई। इसमें इनबिल्ड 5G रेडी सिम, कार में इनबिल्ड सिम मिलता है आपको, सब कुछ है। और मैं आपको और दिखाता हूँ, हेलो MG, यस, टर्न ऑन AC, क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑन, हेलो MG, आई एम लिसनिंग, सेट टेम्परेचर टू 23 डिग्री सेल्सियस। तो आप वॉइस कंट्रोल से AC भी कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए Temperature is set to 23 degrees Celsius. तो भाई ये मैंने AC का एग्जांपल भी दी थी, आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो बहुत ही मस्त है, देखिए। Hello MG. I'm here. Open sunroof. तो वैसे आप पूरी कार यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट कार है, बहुत ही स्मार्ट फीचर्स हैं इसमें। तो अब इसके नीचे यहाँ पे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, ये आपको रियर और फ्रंट विंडो डिफॉगर का, वॉल्यूम बटन्स, यहाँ पे वार्निंग लाइट का बटन है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, वर्टिकल AC वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के बारे में बता चुका हूँ। और ठीक इसके यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर इस बार ऑफर किया गया, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड और ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन मिलेगा। और यहाँ पे आपको 360 व्यू का अलग से बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन में, सेम आपको कार का 360 व्यू दिखाई देगा। और यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिलेंगे एम्बिएंट लाइट के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ एम्बिएंट लाइट इसमें कैसे काम करती है। जैसे आप कार की लाइट्स ऑन करेंगे तो आपको यहाँ नीचे भी सारी एम्बिएंट लाइट दिखाई देगी,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पूरे इसके अराउंड एम्बिएंट लाइट मिलेगी, जो कि आप चेंज कर सकते हैं और रैंडम कलर्स भी लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा टाइम के साथ साथ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे मूड लाइटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स हैं, आप इसको सबको सिलेक्ट करके रैंडम मोड करेंगे तो ये खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे और आप किसी एक को चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बाकी से सारी सेटिंग्स भी कार की देखने को मिल जाएगी, देखिए। और मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा, उसके ऊपर आपको सनग्लासेस होल्डर भी इसमें दिया गया और यहाँ पे LED कैबिन लाइट्स दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं सनरूफ की, तो भाई इस कार की मेन हाईलाइट जो मुझे लगी पैनोरामिक सनरूफ। जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो ये पहले तो कार की रूफ पीछे स्लाइड होगी और बहुत ही अच्छी साइज़ के इसमें सनरूफ ऑफर की गई है, आपको बहुत एरी और बहुत स्पेशियस फील जो देती है सनरूफ। तो देख रहे हैं आप, और अब मैं ये सेंटर वाला बटन इसको पीछे स्लाइड करूँगा तो ये पूरी सनरूफ खुल के पीछे स्लाइड हो जाएगी। तो मुझे तो ये काफ़ी सही लगी इस कार में। तो अब बात करें ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया है, देखिए। और सेफ्टी की बात करें तो वहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग मिलता है, यहाँ पे ड्राइवर एयरबैग मिलता है, ऊपर आपको कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीट पे साइड एयरबैग्स भी ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे आपको नीचे सीट वेंटिलेशन का बटन दिया गया है, इसकी पोजीशन मतलब मुझे लगता है थोड़ी ऊपर होती सामने होती तो बेटर होता। तो अब बारी है पीछे जाके देखने का कि पीछे क्या क्या ऑफ़र करती है MG Hector 2021। तो पीछे का डोर खोलते ही आपको सेम वाइट और ब्लैक डुअल टोन थीम के साथ रियर सीट वेलकम करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी के ट्विटर मिलेंगे, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी, यहाँ पे डुअल टोन थीम और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट, इन्फिनिटी के स्पीकर और डोर पॉकेट्स देखने को मिलेंगी। तो अंदर भी सेम डुअल टोन इंटीरियर है, यहाँ पे आपको तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं पीछे, तो मैं अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो भाई अंदर बैठते ही आपको बहुत ही स्पेशियस फील होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हेडरूम की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं पीछे की, और मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरे साथ दो बंदे और कंफर्टेबली साथ में आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या क्या फ़ीचर ऑफ़र किए गए हैं। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स, नीचे छोटा सा स्पेस मिलेगा और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी हम्प है ही नहीं, कोई एकदम फ्लैट सरफेस है, तो तीन बंदे तो कंफर्टेबली पीछे बैठ जाएंगे इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे आपको आर्मरेस्ट, बहुत ही वाइड आर्मरेस्ट ऑफ़र की गई है, दो बंदे आराम से इस पर अपना हाथ रख सकते हैं, बहुत ही सही साइज़ है, कप होल्डर्स भी हैं उसमें। और यहाँ पे आपको पीछे रियर कैबिन लैंप्स और ये ग्रैब हैंडल दिया गया है, और पीछे से कुछ ऐसा व्यू है सनरूफ का जो बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही मस्त लगता है। और पीछे से डैशबोर्ड का व्यू कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो पीछे बहुत ही कंफर्टेबल कार ये बनाई गई है, सो पीछे था ये सब कुछ। अब बारी है कार से बाहर जाने की और आपको कार का इंजन दिखाने की। सो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर भी दिया गया और बोनट ओपनर भी दिया गया, तो हम बोनट खोल लेते हैं यहाँ से। तो इस बोनट के नीचे आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज BS6 पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 143 PS पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये था MG Hector 2021 का इंजन। सो इस व्लॉग में इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको एक कार पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी अपकमिंग व्लॉग्स। तो टाइम है इस कार को बंद करने का एंड लॉक करने का एंड इस व्लॉग को एंड करने का। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय एंड टेक केयर।